हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना वड़ा। लास्ट कुछ टाइम से मैंने वीडियोस नहीं डाली बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। मेनी ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स वर नॉट इन गुड कंडीशन, सो आई थॉट गिव इट अ पॉज, बट नाउ आई एम बैक विद द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमें साबूदाने को ओवरनाइट सोक करना है। सोक करते समय हमें ध्यान रखना है कि पानी हमें उसमें सिर्फ इतना डालना है कि हमारा साबूदाना अच्छे से डिप हो जाए, हमें उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ दो मीडियम साइज पोटैटोस, इनको हम मैश कर लेंगे। ग्रीन चिलीज, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। रोस्टेड पीनट्स जिनको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून। यहाँ पर मैंने थोड़े से पेपर कॉर्न्स भी लिए हैं, मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर सेंधा नमक यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। सॉल्ट को डालते समय उसको अच्छे से क्रश कर ले। कोरिएंडर लीव्स, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इसको एक डो की फॉर्म में बना लेंगे। ये देखिए, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है तो आप इसमें ऑयल यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आपने साबुदाने को सोक करते समय लिमिट में पानी डाला है तो ये स्टिकी नहीं होगा। अब आप अपने पाम को ग्रीस कर लीजिए और डो से छोटे छोटे वड़े बनाना स्टार्ट करिए। आप वड़े को, मैंने यहाँ पर बॉल शेप दी है, आप वड़े को किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये देखिए, वड़े को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डो को फ्लैट कर लिया है लाइक अ पूरी, और अब मैं इसमें फिल कर दूंगी थोड़ा सा कोरिएंडर और रोस्टेड पीनट्स, और इसको अच्छे से क्लोज कर लेंगे। बंद इसलिए कर लेंगे, अदरवाइज आपकी सारी जो पीनट्स हैं और आपका कोरिएंडर ये फ्राई करते समय ऑयल में आ जाएगा। इसी तरह आपको अपने सारे वड़ा बना लेना है। और ये देखिए, धीरे धीरे हमारे सारे वड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए हम पैन ऑयल को मीडियम हीट पर रखेंगे, हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर ऑयल को नहीं गर्म करना है, अदरवाइज हमारे जो वड़े हैं वो डालते ही ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कुक नहीं होंगे। हमें उनको अंदर से कुक करना है ताकि वो क्रिस्पी बने, उसके लिए आपको मीडियम फ्राई करना है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप इनको टर्न करेंगे तो आप इनको वन साइड से पहले हाफ कुक होने दें तभी टर्न करें, अदरवाइज आपके जो वड़े हैं वो फट जाएंगे। और ये देखिए, हमारे वड़े जो हैं धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इनको एक बार टर्न करेंगे और निकाल लेंगे। ये लीजिए, हमारे गर्मा गर्म वड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। सर्व करिए इसको हरी चटनी के साथ और एक कप गरम चाय के साथ। इंजॉय करिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।